हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जल्दी सभी लोग, जितने भी लोग सदन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे, है ना। आज हम लोग यहाँ पे नेटवर्क का एक जो पार्ट होता है ना, मैग्नेटिक सर्किट्स वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग पूरा पूरा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे सदन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कन्फर्मेशन देंगे सभी। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कपिल, कल्पना, निखिल, प्रियेश, रवि, क्षितिज, राहुल। अ वेरी गुड इवनिंग अभिषेक। अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? चलो, ऑल क्लियर है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिएगा, सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो ये है, सबसे पहली चीज जो आपको समझना वो ये है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट्स। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट से बहुत सारी चीजों के आपने नाम सुने, जैसे कि रजिस्टर का नाम सुना है आपने, करंट का नाम सुना है आपने, वोल्टेज का नाम सुना है आपने, इंडक्टेंस का नाम सुना है आपने, कैपेसिटेंस का नाम सुना है। तो जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, ये सब क्या? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है ना। तो अगर हम चाहें तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड थे। हमारे पास वैसे एक मैग्नेटिक सर्किट होता है, हालांकि जैसे हम वहां पे किसके बारे में बात करते थे? करंट के बारे में बात करते थे। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट काम करता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हमारा फ्लक्स काम करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है वोल्टेज, वैसे हमारे मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे जो स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो चाहे मैग्नेटिक सर्किट हो, हर एक चीज की जो शुरुआत होती है वो होती है चार्ज से, है ना। हर एक चीज की जो स्टार्ट होता है वो कहाँ होता है? आपका चार्ज से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हमारा जो चार्ज होता है ना, अगर मान लो कोई चार्ज रुका हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे एक चार्ज रुका हुआ, मतलब वो आपका रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ चार्ज, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी चार्ज। एक चार्ज जो कि रुका हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज एट रेस्ट, या फिर हम उसको स्टेशनरी चार्ज बोलते हैं। और जो स्टेशनरी चार्ज है वो आपका एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज या फिर एक स्टैटिक चार्ज जो रुका हुआ है, जो कि मोशन नहीं हो रहा उसमें रुका हुआ है, वो आपका क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। सिमिलरली अगर वही चार्ज जो मेरे पास यहाँ पे चार्ज था, अगर वो आपका घूम रहा है या मोशन कंडीशन में या मूविंग कंडीशन में है, तो वो आपका दोनों फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पीछे का जो रीजन है वो है आपका मूविंग चार्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बहुत बार देखा होगा ना कि आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग क्या बनाने की कोशिश करते हो, आप लोग वहां पे है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश करते हो। क्या करते हो? कोर लेते हो, वाइंडिंग करते हो, डी सप्लाई से एक्साइट कर देते हो, तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है? वहां पे कॉइल है, मतलब कंडक्टर है, आपने डीसी सप्लाई दी, तो डीसी सप्लाई की वजह से आपके पास जो चार्ज थे वो मोशन में आएंगे। जैसे चार्ज मोशन में आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा, करंट फ्लो रहा। करंट का फ्लो ना मतलब क्या? डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब आपका चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा मतलब चार्ज मूविंग कंडीशन में है, तो उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। हम हर बार हर जगह देखते हैं ना कि आप किसी भी कॉइल में करंट पास करो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो क्यों होता है? करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जब करंट फ्लो होगा मतलब आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, और जब चार्ज फ्लो होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। बफरिंग हुआ है क्या किसी का? सभी लोग बताएंगे बफरिंग हो रहा है क्या? अभिषेक बोल रहे हैं बफरिंग हो रहा है। अरे यार, आजकल इंटरनेट को भी क्या हो गया, सच में समझ में नहीं आता यार। सल्यूट है इंटरनेट को भी। राइट है सर, चलो सब कुछ सही चल रहा, बहुत अच्छी बात है फिर, ठीक है। तो आपका ये मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है? दोनों चीजों को क्रिएट करता है।
जैसे मूविंग चार्ज के से क्या होती है, करंट होती है ना। अब करंट दो टाइप की होती है, एक होती है डीसी करंट, एक होती है आपकी एसी करंट। तो जो डीसी करंट होती है ना, वो आपका जो फील्ड क्रिएट करेगी उसको बोलते हैं हम क्या, स्टेडी स्टेट करंट। डीसी करंट को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट करंट। इसको हम बोलते हैं टाइम वेरिंग करंट, क्योंकि एसी आपका चेंज होता है। तो स्टेडी स्टेट करंट की वजह से जो आपका फील्ड क्रिएट होगा वो क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर एसी करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो आपका होता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझना क्या बोला मैंने, करंट दोनों हो सकती है, डीसी भी हो सकती है एसी भी हो सकती है। डीसी का मतलब होता है, मीनिंग होता है, क्या बोलते हैं डीसी को, बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट, मतलब फिक्स करंट। अगर कोई चीज फिक्स है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी फिक्स होगा, मतलब वो टाइम के साथ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं टाइम इन वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर सप्लाई एसी है, मतलब टाइम वेरिंग करंट है, अगर टाइम वेरिंग करंट है तो उससे जो फील्ड क्रिएट होगा वो क्या होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब देखना, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कोर है, इसमें मैंने वाइंडिंग लगाई हुई है इस टाइप की, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसमें कैसे आपका यहाँ पे, मान लो ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो हिस्सा, ये एक्स है, ये आपका वाई, तो आपको बताना है कि क्या ये मैग्नेट तरह काम करेगा। बिल्कुल, अगर आप इससे करंट पास कर रहे हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंड्यूस होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा कहाँ पे आपका नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, कहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। तो आप क्या करना, जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, तो पेन मेरे पास कोर है, तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, तो आपका जो थंब होगा ना वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो वाई वाला हिस्सा है वो आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल, और जो एक्स वाला हिस्सा है वो बन जाएगा आपका साउथ पोल। हाँ, यहीं से स्टार्ट है ना, अभी एक ही पेज हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, जस्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है। 5G फोन रखना होगा, 5G फोन आ तो गए हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी का कहाँ, भी सब जगह आई है इंटरनेट कनेक्टिविटी, हमारे यहाँ तो भी नहीं आई यार 5G की, और इसी वजह से 4G का जो नेटवर्क है ना वो कमजोर होता जा रहा है ना आजकल। बहुत देर नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ना, आप लोग मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये बताया कि हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं, अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनके बारे में आपने सुना होगा, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसी का एक डुअल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स। मैग्नेटिक सर्किट्स में कैसे बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या था, कोई चार्ज वो रुका हुआ है, तो जो चार्ज रुका हुआ है ना वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वही चार्ज मोशन कंडीशन में है तो वो आपका क्या करता है, दोनों फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आता होगा, सर जो मशीन वगैरह आप लोग पढ़ाते हो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट करते हैं यार, हमारा काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी काम हो सकता है ना, हमको चाहिए फील्ड है ना, हमको चाहिए फील्ड। तो फील्ड दोनों मिल सकता है हमको, अगर आपको क्रिकेट मैच खेलना तो आपको फील्ड चाहिए ना, है ना। आवा फील्ड दो टाइप के हैं, एक तो बैडमिंटन वाला भी है, क्रिकेट ग्राउंड वाला भी है। तो बस वैसी चीज हो गई कि जो आपके मशीन होते हैं उनको चाहिए फील्ड, दो टाइप के फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एक फील्ड बनता है, एक मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड बनता है। लेकिन उनमें से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फील्ड है बहुत कमजोर होता है, और जब बहुत कमजोर होगा तो अगर आपको बहुत ज्यादा ईएमएफ क्रिएट करवाना है तो बहुत ज्यादा कंडक्टर रखने पड़ेंगे आप, समझ में आई बात। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे तो कम कंडक्टर में भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस वही चीज यहां पे बोला मैंने कि हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, किसी भी चार्ज को मोशन पे कंडीशन पे लाने पे। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप एक कोर लेते हो, उसमें करंट पास करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो करंट के पास से मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि करंट क्या है, मूविंग चार्ज। करंट क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन क्या, बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर चार्ज बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट फ्लो हो रही है ना, और उसी मूविंग चार्ज से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड।
अब जैसे करंट मेरे पास दो तरीके की होती है, डीसी करंट भी होती है एसी करंट भी होती है। तो डीसी फील्ड मतलब डीसी करंट की वजह से जो भी हमको फील्ड मिलता है हम उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड, और हमको एसी करंट की वजह से जो भी फील्ड मिलता है हम उसको बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया था, बताया था मैंने कि ये एक्स है ये वाई का हिस्सा है, अगर आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना हो तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप ये कोर ले लिया आपने, और अपने जो फिंगर्स राइट हैंड की फिंगर्स को आप करंट की डायरेक्शन में लेके जाइए, तो जो आपका थंब इंडिकेट करेगा वो क्या करेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से फील्ड निकल रही है, तो यहाँ पर बन जाएगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपकी मैग्नेटिक लाइन जाती है ना। तो ये आपका जो वाई वाला हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ पोल और एक्स बन जाएगा आपका साउथ पोल। यहाँ पे भी देख लो, अगर आप इसमें करोगे तो अगर आप ऐसे कर दो ना, ये कोर है, आप फिंगर्स राइट हैंड की फिंगर्स को अगर स्क्रोल करोगे तो आपको यहाँ पे जो थंब मिलेगा वो यहाँ पे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस और डॉट का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, मस्ती में बताया कि मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कंडक्टर है, अगर इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है उसको हम बोलते हैं क्रॉस, और मान लो आप यहाँ पे खड़े हो करंट बाहर की तरफ आ रही आपकी तरफ आ रही आउटवर्ड आ रही, इसको हम बोलते हैं आपका डॉट। जैसे कि मान लो आप एग्जांपल देख लो, मैंने दोनों का एग्जांपल लिया है, एक पर्सन है मेरे पास यहाँ पे ए, एक पर्सन है मेरे पास यहाँ पे बी, तो बी ने यहाँ से कुछ एरो चलाया मतलब एक बाण चलाया, ठीक है, तीर चलाया, जब तीर चलाया तो जब ए के पास आ रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, मतलब अगर आपके तरफ कोई चीज आ रही तो आपको पॉइंट दिखाई देगा, और आपसे कोई दूर जाए तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे क्रॉस दिखाई देगा। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, कैसे याद रखना है, जो चीज आपसे दूर जा रही तो क्रॉस दिखाई देगा, जैसे इसने यहां से ये तीर चलाया तो इसको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, और ये इसको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे पॉइंट दिखाई देगा। तो जो चीज आपकी तरफ आ रही है आ रही है उसको डॉट बोलेंगे, और जो चीज आपसे यहां से दूर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, अब क्रॉस और डॉट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो आप क्या समझना, क्रॉस का मतलब होता है करंट का अंदर जाना, तो आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में जाओ, मतलब थंब को ले गया करंट की डायरेक्शन में, तो जो फिंगर का जो मूवमेंट होगा राइट हैंड का वो आपका बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। तो यहां पे देखो थंब को मैं अंदर तरफ ले गया तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर डॉट को देखो, डॉट मतलब करंट मेरी तरफ आ रही है, थंब को अपनी तरफ कर लो, राइट हैंड का थंब अपने तरफ कर लोगे तो जो फिंगर का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बिल्कुल वाईफाई 5G मेरे यहां पकड़ता है तो इंतजार किस बात का, ले लो फोन, बढ़िया 5G फोन ले लो एक, बढ़िया ना, किस चीज का इंतजार है आप लोगों को, हमारे यहाँ तो पता नहीं ये 4G क्या चलता है यार। ये जियो एक तो लगवाया था ना, कौन सा फाइबर लगवाया था, 200 KBPS स्पीड यार, 200 KBPS, समझ रहे हो, नमस्कार कर लूंगा उसको मैं, 200 KBPS, वाह, प्लान देते हैं 100 MBPS का प्लान देते हैं 100 MBPS स्पीड आती है 200 KBPS, आज उसके सामने स्पीड आई, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि सही स्पीड आई उसके सामने, मैं क्लास लेता तो 200 KBPS आती, जब वो आता था चेक करने के लिए तो 100 MBPS स्पीड आ रही है, कैसी बात कर रहा हूँ, स्पीड तो प्रॉपर आ रही है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो कि वो आया और चेक किया उसके सामने 200 KBPS स्पीड आई है, बेचारा मुझे छोटा हो गया यार, हालांकि मैं उसको क्या बोलूँ बेचारा, वो भी काम ही कर रहा है, जॉब ही कर रहा है बेचारा, वहां पे मजबूरी है, सुनना पड़ता है, मैंने बहुत सुना दिया उसको आज। सर अभी भी वो टैग आ रहा बीच में, आज सही हो जाएगा ना, उसका मेरे पास ऑप्शन था बंद करने का, एक मिनट रुकना भाई, बंद कर देता हूँ यहाँ से, वो टैग का ऑप्शन मेरे पास था बंद करने का, मैं भूल गया था यार, का बंद कर दूंगा, है ना। अच्छा वो कुछ चैट वगैरह में चेंज आया है क्या, चैट में पोल में कुछ चेंज आया है क्या, पोल में कुछ चेंज आया कि नहीं आया, अभी पोल वाला जो सेक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, लाइव क्लासेस में कुछ अपडेट तो मैंने करवाया था। पोल में कुछ ऑप्शन आया है, एक बार पोल करके दिखाऊं क्या आपको, तब समझ में आएगा ना।
रुकना। मैं पोल करके देखता हूं, बताना आप लोग कुछ चेंज आया है कि नहीं आया। बताइए मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बता रहे हो ना, इसी को बोलते हैं माइंड का डाइवर्ट होना। हाँ? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हैंड रेज में कुछ चेंज आया कि नहीं आया। हैंड रेज बोल रहा हूं, सॉरी, ये पोल सेक्शन में कुछ चेंज आया, पोल सेक्शन में कुछ चेंज आया कि नहीं आया, प्रिंस बताएंगे। हाँ प्रिंस बताइए। हेलो, हाँ प्रिंस बोलिए। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। हाँ सर, वो सर आपने बोला हैंडरेज के ऑप्शन में सर, बट वो पोल के ऑप्शन में बोला था पहले। हाँ पोल का ऑप्शन कहीं पूछ रहा हूँ, पोल में कुछ चेंज आए हैं क्या, पोल में कुछ चेंजेस आए हैं। नो सर, मैं तो पहली बार पोल्स पे वो कर रहा हूँ, इसके पहले सर मैंने। अच्छा, इसके पहले आपने पोल यूज नहीं किया था, ठीक है, किसने किया था सर, आप तो पोल सेक्शन को जानते थे ना। चलो अभिषेक बोल रहे हैं, सही है ना, चलो स्क्रीन अब कवर नहीं हो रहा जो मेन चीज थी, चलो बहुत अच्छा काम हो गया ये तो, है ना। मैं डेवलपर को समझा समझा के परेशान हो गया था कि भाई स्क्रीन कवर हो जाता, स्क्रीन कवर हो जाता, उसने बोला स्क्रीन कवर नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, काम कुछ अच्छा हो रहा मतलब, है ना। चल आगे बढ़ते हैं यार अपन, है ना। अच्छा आपका मैंने पोल सेक्शन बंद नहीं किया क्या, बंद कर दिया। चलो आवाज किसकी आ रही यार। चलो देखना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होता था, जैसे ये आपका ईएमएफ है मतलब बैटरी है, तो उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे करंट फ्लो रही है। आइए सर बेटा आपकी आवाज आ रही है, आप हैंड रेज बंद कर लो, हैंड्रेस बंद हो गया आपका। मेरी हाँ आपका हैंड्रेस बंद नहीं हुआ, बंद कर दीजिए अपने तरफ से। हाँ सर हैंड्रेस तो बंद हुआ है। 1 सेकंड सर, बट मैसेज करने के टाइम स्क्रीन घूमता घुमाना पड़ता है, बट मैसेज करने के टाइम स्क्रीन घुमाना पड़ता है। चलो इसका भी देखते हैं कुछ, इसका भी देखते हैं क्या सही कर सकते हैं अपन, इस पे क्या वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें सही हो जाएंगी, घबराने की बात नहीं है। चलो आ जाओ, अब कोई हैंड रेज नहीं करेगा, मैं मुझे पढ़ाने दो ना, बार बार बातें हो जाती हैं और मैं गप्पे मारने लग जाता हूँ फिर। मान लो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में कंपेरिजन करने वाला हूं। इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब जो हम इतना पढ़े हैं, क्या पढ़ा हमने, एक बैटरी है एक रजिस्टर है तो यहाँ पे करंट फ्लो होती है, यही पढ़ा ना अपन, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो यहाँ पे बैटरी थी, वो जो ईएमएफ था वो बन जाता आपका एमएमएफ, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो बन जाता आपका रिलक्टेंस, और जो यहाँ पे करंट थी वो बन जाता है आपके पास यहाँ पे फ्लक्स। मतलब कि आपने मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लिया, और जो भी चीजें, अब अच्छी तरह मैं बता दूं, जो भी चीजें आपने इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ी है वो सारी की सारी चीजें मैग्नेटिक सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे करेंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, मेश, नोडल, है ना, हर एक चीज, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए चीजें बनी हैं वो सारी मैग्नेटिक सर्किट में आप लगा सकते हो, किसके थ्रू, बस आपको यहाँ पे इसका डुअल बनाना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में
करंट के आने के पीछे का रीजन क्या था, वो ईएमएफ था, मतलब ईएमएफ वॉज कॉज और करंट उसका एक रिजल्ट था, इफेक्ट था। करंट क्यों आई यहां पे, इस बैटरी की वजह से आई। तो इफ मैं ईएमएफ वॉज कॉज एंड करंट वॉज इफेक्ट, सिमिलरली यहां पे भी जैसे यहां पे ईएमएफ था वैसे यहां पे एमएफ आ जाएगा। तो एमएमएफ यहां पे आपका क्या है, कॉज है, और जो करंट है वैसे यहां पे जो फ्लक्स है वो आपका यहां पे क्या इफेक्ट है, मतलब एमएमएफ की वजह से आपका फ्लक्स आता है। आपने बार बार पढ़ा होगा ना आपका ट्रांसफार्मर में कि जब आपके प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी तो वहां पे एक एमएमएफ क्रिएट होगा और उस एमएमएफ की वजह से आपको फ्लक्स मिलेगा, मतलब एमएमएफ वॉज द कॉज एंड इफेक्ट क्या आपके पास यहाँ पे, उस एमएमएफ का जो इफेक्ट है वो है आपका फ्लक्स। जैसे कि आपके वोल्टेज की वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, करंट देखने को मिलता है, वैसे ही एमएमएफ की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्स देखने को मिलेगा। जैसे आपको अगर फॉर्मूला पता हो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बराबर क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। करंट की जगह आ जाएगा फ्लक्स, वोल्टेज की जगह आ जाएगा आपका एमएमएफ, और रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा आपका रिलेक्टेंस। तो हम यहाँ पे एनालॉजी देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में। अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिकल आपका जितने भी जेई और ए के एग्जाम होते हैं उसमें इस टेबल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वोल्टेज का मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, एमएमएफ, करंट क्या बन जाएगा आपका, फ्लक्स, रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका रिलक्टेंस, ओम्स लॉ होता है वी इक्वल्स टू आई आर, वैसे यहां भी बन जाएगा एमएफ बराबर फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। कंडक्टिविटी जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में होता है परमिबिलिटी। याद रखना क्वेश्चन बन चुका है ना ये पहले भी, ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, क्या बन चुका है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कंडक्टिविटी होती है वही आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या कहलाता है, आपका परमिबिलिटी कहलाता है। और देखते हैं, इतना ही लिखा क्या मैंने, चलो और बताता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल देखा था आपने, कैसे देखा था, मान लो आपके पास यहाँ पे 100 वोल्ट है, 40 ओम है, 60 ओम है, अगर आपको इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना, तो कैसे करते थे, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम, ऐसे निकालते थे। वैसे ही आपके मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ डिवीजन रूल होता है, कैसे, मान लो आपके पास यहाँ पे टोटल एमएफ है एमएमएफ, ठीक है, और आपको यहाँ पे रिलक्टेंस है R1, यहाँ पे रिलक्टेंस है आपका R2, तो आपके इसके पास कितना एमएमएफ होगा वो आप बता सकते हो, कैसे, एमएमएफ डिवीजन रूल की वजह से, कैसे, टोटल एमएमएफ इनटू सेम रिलक्टेंस डिवाइड बाय दोनों रिलक्टेंस का सम, तो ये बन जाएगा आपका एमएमएफ डिवीजन रूल। जैसे ही आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट डिवीजन रूल होता था, कैसे, आपका टोटल करंट है और यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, तो 3 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये आपका करंट आ जाता था। वैसे ही आपके मैग्नेटिक सर्किट में होता है फ्लक्स डिवीजन रूल, कैसे, टोटल फ्लक्स आपको पता है, आपको इस रिलक्टेंस में फ्लक्स निकालना, तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इनटू अपोजिट रिलक्टेंस डिवाइड बाय दोनों रिलक्टेंस का सम, तो फाई इनटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये हो जाएगा फाई वन की वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में किन्हीं भी दो एलिमेंट को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे, एक तो सीरीज या तो पैरेलल, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट को भी हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे, सीरीज और पैरेलल, मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम सीरीज कनेक्शन किसको बोलते थे, जहां पे आपका करंट आपका क्या हो, सेम हो, किन्हीं भी दो एलिमेंट में अगर करंट सेम है दैट मींस वो आपके क्या है, सीरीज कनेक्शन में। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में किन्हीं भी चीज को क्या बोलोगे, सीरीज, जब आपके दोनों में ही फ्लक्स सेम होगा। जैसे अगर आप देखो ट्रांसफार्मर में दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप एंड सेल टाइप, तो कोर टाइप में क्या होता है, जितना भी यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हुआ है पूरा का पूरा फ्लक्स आपका ऐसा जाता है, मतलब इस साइड जितना फ्लक्स है उतना इस साइड भी फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स सेम है, दैट मींस ये आपका कहलाएगा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। सिमिलरली आपके पास अगर हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पे आपका वाइंडिंग प्लेस होती है, तो यहाँ का फ्लक्स क्रिएट हुआ पाई, तो 5/2 इधर जाता है, 5/2 उधर जाता है, मतलब यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हुआ, यहाँ पे आपका फ्लक्स डिवाइड हुआ,
फ्लक्स का डिवाइड होना क्या कहलाता है आपका? पैरेलल कनेक्शन, मतलब करंट का डिवाइड होना क्या कहलाता है? पैरेलल कनेक्शन, या फिर एमएमएफ का सेम होना। यहां पे आपका एमएमएफ क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या? पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट होता है, वैसे हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट में भी दो तरह के कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब यहां पे मैंने कुछ आपको डॉट रूल्स के बारे में बताया है, उसको समझना है ना। डॉट रूल्स क्या समझिएगा यहाँ पे? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे करंट सोर्स है, एसी करंट सोर्स है, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्न ई वन है, मतलब एन वन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न एन टू है, मतलब कहते हैं ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन बन रहा है। इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एल वन है, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एल टू है। तो ई वन यहाँ पे जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ई वन इतना होगा एन डी फाई बाई डी टी, मतलब माइनस क्यों है यहाँ पे? लेंज लॉ की वजह से, क्योंकि ये जो ईएमएफ है ना, ये अपने ही कॉज को क्या करता है? अपोज करता है, और इसका अपोज क्या है? चेंज इन फ्लक्स, तो उसको अपोज करता है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस एन रखा हमने। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा? ई वन इक्वल्स टू माइनस एन वन डी फाई बाई डी टी। और ये फाई क्या है? इस करेंट, जो एक करेंट है जो इस नंबर ऑफ टर्न से होके जाएगा, तो यहाँ पे एक एमएफ क्रिएट होगा, और उस एमएफ के से आपका फ्लक्स क्रिएट होगा, वही ये फ्लक्स है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, फ्लक्स आपका एयर में भी ट्रेवल कर सकता था ना, तो अगर यहाँ जो फ्लक्स क्रिएट हुआ वो इसको भी लिंक करेगा एन टू टर्न्स में भी, तो यहाँ पे भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो ई टू कितना हो जाएगा? ई टू इक्वल्स टू माइनस इन टू डी फाई बाई डी टी। तो ये याद रखिएगा, एल वन क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन, एल टू क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल टू। अब इनके बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, तो उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इन दोनों के बीच की कपलिंग और इन दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम बराबर हो जाता है कितना? के अंडर रूट एल वन एल टू। वैल्यू याद रख लीजिएगा, के यहां पे बताता है कि आपका इन दोनों में कितना प्रेम है, मतलब इन दोनों आपस में कितना कपल्ड। अगर इन दोनों के बीच में बिल्कुल दोस्ती नहीं है, मतलब कि ये वाली कॉइल का जितना भी फ्लक्स है इसको नहीं कर रहा कुछ भी यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपका जीरो कपल्ड है, मतलब के की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। आप ऐसा मान लीजिए कि आपके घर पे जो फैन लगा हुआ है उसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और मेरे घर पे जो फैन लगा हुआ है उसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कपलिंग जीरो है, और कपलिंग किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। कपलिंग किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि इन दोनों के बीच का ओरिएंटेशन कितना है, किस डिस्टेंस पे है, कैसे रखे हुए हैं, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है ये। आपके घर पे एक फैन है, उसी के बाद जो दूसरा फैन है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ कपलिंग हो सकती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पे कुछ हो सकता है। तो जनरली म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होता है? जब दो कॉइल पास में होंगी, जैसे ये दोनों कॉइल पास में है ना, तो इसकी वजह से कुछ के की वैल्यू मिल जाती है। जब के की कुछ वैल्यू मिल जाती है तो हमको वहां पे एम की वैल्यू भी मिल जाती है। तो एम की वैल्यू क्या होती है? के रूट एल वन एल टू। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, कपलिंग की वैल्यू मैक्स टू मैक्स वन हो सकती है, मिनिमम टू मिनिमम जीरो हो सकती है। अब हम आते हैं यहाँ पे डॉट रूल्स में, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे आपके डॉट रूल्स में क्या होता है, समझिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके कहाँ पे डॉट रूल्स में। डॉट रूल में क्या होगा समझिएगा। जैसे मान लो, एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, सब लोग को पढ़ना जरूरी है। इफ करेंट इंटर्स द डॉटेड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कॉइल, देन पोलैरिटी ऑफ म्यूचुअल वोल्टेज इज पॉजिटिव एट द डॉटेड टर्मिनल ऑफ सेकेंड कॉइल। समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लो सेकेंड स्टेटमेंट को। इफ करेंट लीव द डॉटेड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कॉइल, देन पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज निगेटिव एट द डॉटेड टर्मिनल ऑफ सेकेंड कॉइल। नहीं आया समझ, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक कॉइल है, एक कॉइल लिया है ना, यहाँ पे जो रेड रेड है वो आपका क्या? डॉटेड टर्मिनल है। क्वेश्चन पहले बन के दिया हुआ डॉटेड टर्मिनल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे करंट आपकी आई वन जा रही है, ठीक है, आपकी करंट यहाँ पे आई वन जा रही है। जब करंट यहाँ पे आई वन जाई गई 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 यहां तक आ गई, तो आप देखो ये जब करंट यहाँ पे गई तो इस डॉट टर्मिनल पे ये इंटर कर रही है या लीव कर रही है? तो क्या बोलोगे? सर ये जो करंट है ना वो डॉट टर्मिनल पे इंटर कर रही है, इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा जो दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल में जो डॉट टर्मिनल है, डॉट टर्मिनल है वहां पे उनको अपना प्लस रखना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? फिर से बताता हूँ, अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ना, इफ करेंट इंटर्स द डॉटेड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कॉइल, इफ करेंट, ये जो करेंट है आपके डॉटेड टर्मिनल पे इंटर कर रही है, इफ करेंट इंटर्स द डॉटेड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कॉइल देन पोलैरिटी ऑफ म्यूचुअल वोल्टेज इज पॉजिटिव एट द डॉटेड टर्मिनल ऑफ सेकंड कॉइल। तो आपका सेकंड कॉइल ये है, उसका डॉटेड टर्मिनल ये है, यहां पे बन जाएगा प्लस। अगर आपके किसी एक डॉटेड टर्मिनल पे करंट इंटर करती है तो दूसरी कॉइल का जो डॉटेड टर्मिनल होगा वो प्लस बन जाएगा। समझ में आई बात? तो आपको E2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो E2 हो जाएगा कितना, एम डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन को देखना। अगर आपकी करंट आ रही है, देखो यहाँ से करंट गई गई गई, अगर आपकी करंट डॉटेड टर्मिनल से लीव कर रही है, अगर आपके पहले वाले कॉइल में करंट डॉटेड टर्मिनल से लीव कर रही है तो दूसरे वाले कॉइल में जो डॉटेड टर्मिनल होगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? समझ में आई बात कि नहीं आई? कपल्ड का मतलब पास में है, दोस्ती है उनके बीच में। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि दो दोस्त हैं, दो कपल हैं। कपल कौन नहीं समझते यार, हद हो गई यार, है ना? चुप, आप इस एज में आके अगर कपल नहीं समझते तो क्या समझोगे यार? फिर से बता देता हूँ साहा, अगर आप इस एज में आके कपल की बात नहीं समझोगे तो क्या समझोगे आप? अभिषेक कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ अभिषेक बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर कह रहे थे कि जो सेकंड कॉइल है सर, एग्जाम में जो टर्मिनल है वहां पे प्लस माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा हूँ इसकी बात कर रहे हो? यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन में दिया हमको, यहाँ पे आप पूछा क्वेश्चन में E2 वैल्यू कितनी होगी, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो मतलब E2 वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, तो E2 वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, प्रिंस बोल रहा है हम जनगणना के लिए बने हैं, ये तो सही लग रहा है मेरे को, जनगणना के लिए कुछ टाइम तो जनगणना के लिए बन जाओ, है ना, जरूरी है। तो देखो मैं क्या, देखो जैसे सहा ने पूछा कपल का मतलब क्या होता है, जैसा आप लोग जानते हो कपल के बारे में वही चीज यहाँ पे भी है, दो लोग कपल है, L1 और L2 यहाँ पे कपल है। ठीक है, आप लोग कपल का मतलब मुझसे मत पूछो, खुद जानते हो, ये L1 है, ये L2, ये दोनों कपल है, है ना। अब ये दोनों कपल कैसे हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वहां पे k की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, नहीं k की वैल्यू 0.1 होगी, है ना, कुछ तो होगा यार, ऐसा नहीं बोल सकते 0.1 जीरो नहीं बोलूंगा, जीरो का मतलब उनका ब्रेकअप हो जाता है ना, जब दो लोगों का ब्रेकअप हो गया उस टाइम पे k की वैल्यू हो जाती है जीरो, जब वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो 0.1, जब दोनों कॉलेज में तो k की वैल्यू 0.5, है ना, और जब दोनों लिविंग में रहने लग जाए उस टाइम मान लो k k इक्वल 0.9, और जब दोनों की शादी हो जाए तब k की वैल्यू 1। समझ में आई बात? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोग को यार ऐसे डाउट मत पूछा करो यार आप लोग, हैं, खुद से समझ जाना चाहिए कि नहीं पूछना हमको ऐसे डाउट। समझ में आई बात? के का मतलब क्या होता है, कपलिंग। साहा कि आप जानबूझ ऐसे डाउट पूछते हो, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के पूछते हो कि किस तरह आपको अच्छा बता दें। ठीक है, आगे बढ़े आप। अरे बोलो सर, पोलैरिटी बिल्कुल बता देता हूं, फिर से बता देता हूं, मैं जीरो हूं, उस जीरो से वन तक का सफर कैसे कर करना है आपको, है ना, वो डॉट रूल जब तक नहीं पढ़ोगे तो जीरो से वन तक नहीं पहुंच पाओगे, जीरो पे रह जाओगे, समझो इधर। मैं फिर से बताऊं, सबको समझना, मैंने क्या बोला, बहुत ही सिंपल, आपको यहाँ पे E2 वैल्यू बतानी है कि E2 इक्वल टू क्या होगा,
ये आपको दिया क्वेश्चन है ना, ये आपको दिया कि एम डी आई अपॉन डी तो होगा, ये भी यहाँ पे दिया है, बस आपसे पूछा कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है मैं फिर तो बताता हूँ, क्वेश्चन में सारी चीजें आपको दी हुई हैं, बस ये नहीं दिया, क्या नहीं दिया यहाँ पे ये। एक मिनट मैं पूरा सही कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड। रुको ना पूरा सही कर देता हूँ, ये देखो लो मैंने क्वेश्चन पूरा बना दिया, नया क्वेश्चन बना दिया, लो सब मैंने रफ कर दिया, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ये देखो मैंने पूरा क्वेश्चन ही गायब कर दिया। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, पूछा है कि यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा कि माइनस होगा, दैट्स इट, ये क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करना समझना सभी लोग। सबसे पहले तो आप यहां पे देखोगे कि सर यहां पे करंट जो है डॉटेड टर्मिनल पे इंटर कर रही है, हाँ या ना? हाँ, तो यहां पे जो दूसरा वाला कॉइल है ना उसका जो डॉटेड टर्मिनल वो बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा सर, प्लस बना दू तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो जब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो आपका जो ई टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस एम डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो तो जो करंट है ना वो डॉटेड टर्मिनल से लीव कर रही है, जब डॉटेड टर्मिनल से करंट लीव करेगी देखो, तो यहां से इंटर करती है, यहां से लीव करती है, तो जब करंट लीव कर रही है तो सेकंड वाले कॉइल में जो डॉटेड टर्मिनल होगा वो बन जाएगा नेगेटिव और अनडॉटेड बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस, यहाँ बेचारे पास है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई टू वैल्यू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, बोलो। ठीक है चलो अब क्लियर है रोहित, अभी आपका डाउट क्लियर है ना, कि अभी भी कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है, चलो इनको मैं पूरा जीरो कर देता हूँ क्वेश्चन को, फिर सॉल्व कर बताता हूँ आपको, तब मजा आएगा। ठीक है ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन, इस बार क्या है ना कि जो करंट है ना वो सेकेंडरी वाली कॉइल, दूसरे वाली कॉइल में घूम रही है, तो यहाँ पे जो करंट है वो आपका डॉटेड टर्मिनल पे क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, हाँ या ना? हाँ, तो अगर ये इंटर कर रहा है तो जो दूसरी वाली कॉइल है उसका जो डॉटेड टर्मिनल होगा प्लस बन जाएगा और अनडॉटेड निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आप सामने प्लस था, प्लस यहाँ पे भी है, तो ये आपका इवन कितना हो जाएगा एम डी आई टू अपॉन डी टी, तो प्लस साइन आ गया। ये वाले क्वेश्चन को देखना, तो अगर करंट आपकी आई टू ऐसी है मतलब करंट यहां से आ रही होगी, मतलब अगर आप देखो तो करंट आपकी ऐसी जा रही है, मतलब अगेन आपका डॉटेड टर्मिनल पे करंट इंटर कर रही है, हाँ या ना? जब डॉटेड टर्मिनल पे करंट इंटर कर रही है मतलब इसका भी डॉटेड टर्मिनल होगा वो आपका बन जाएगा प्लस और ये आपका बन जाएगा माइनस। तो अगर यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, ये आपका बन जाएगा यहां पे प्लस, दैट इज सिंपल, इतना सिंपल है, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना क्लियर बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को भी देख लेना बन जाएगा यार, मैं क्यों बार बार बताऊं इस क्वेश्चन को। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना, अगर मान लो दो इंडक्टर आपस में सीरीज में है, ठीक है, तो उनका इफेक्ट कितना होता है, एल वन प्लस एल टू होता है। दो इंडक्टर अगर सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, एल प्लस एल टू। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर है, मतलब इनके बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर है ना, अगर इन दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो दो तरीके का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। कैसा? कि हो सकता है कि इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों को सपोर्ट कर रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं सीरीज एडिंग। मतलब अगर आपकी करंट यहां पे जा रही है तो ये वाले डॉट टर्मिनल पे करंट इंटर कर रही है और ये वाले कॉइल पे भी डॉट टर्मिनल पे करंट इंटर कर रही है, इसको बोलते हैं सीरीज एडिंग, है ना। तो इस केस में आपका जो
आपका जो एलिप करंट हो कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, जैसे यहां पे देख लो, ये वाला केस देख लो, मान लो यहां से करंट गई तो डॉट टर्म से इंटर कर रही, मतलब करंट यहां पे लीव कर रही है, इससे भी करंट लीव कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका सीरीज एडिंग ही बोलेंगे। लेकिन एक में, एक वाले कॉइल में करंट इंटर कर रही है, मतलब यहां पे आपका डॉट टर्मिनल है, और दूसरे वाले कॉइल में दूसरी कोई जगह पे है, तो हम इसको बोलते हैं सीरीज अपोजिंग। और इस केस में जो आपका एल इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये आपको याद रखना है, सीरीज एडिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज अपोजिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इतना आप याद रखोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे कॉइल्स इन पैरेलल। अगर दो कॉइल है मेरे पास, अगर उनको मैं पैरेलल में रखता हूं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर दोनों कॉइल आपस में डॉट टर्म, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल एडिंग। लेकिन अगर उल्टा उल्टा है, मतलब कि एक डॉट टर्म यहाँ पे है और एक डॉट टर्म यहाँ पे है, तो उसको हम बोलते हैं आपका पैरेलल अपोजिंग। जैसे अगर पैरेलल एडिंग है, उसमें जो आपका एल इक्विवेलेंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, लेकिन अगर वो पैरेलल अपोजिंग है तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, सर आपने गलत कर दिया फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो मैं बता दूं, नहीं, आपका चाहे ये वाला फॉर्मूला हो चाहे ये वाला फॉर्मूला हो, इसका न्यूमरेटर सेम है ना, ये सेम है, इसको गलती मत करना, L1 L2 माइनस एम इसका तो सेम है। अब सीरीज एडिंग में यहाँ पे होगा माइनस, सीरीज अपोजिंग में यहाँ पे होगा प्लस। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे करें, देखो न्यूमरेटर तो याद हो गया, अब आपको एडिंग है, एडिंग में कोई चीज बढ़ेगी, बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए डिनोमिनेटर का कम होना जरूरी है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब ये आपका पैरेलल अपोजिंग है, अपोजिंग के लिए वैल्यू का कम होना जरूरी है, कम होने के लिए जो डिनोमिनेटर उसका प्लस होना जरूरी है, तो मन में आई बात, तो यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा, याद करने की मैंने ट्रिक बता दी, बाकी न्यूमरेटर दोनों में सेम होगा, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M, L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पूछ, क्या पूछना चाह रहे हो आप, इसको इनका डेरिवेशन होता है, मैंने नहीं कराया, ये कहां से आया, डेरिवेशन से आया, ठीक है, इनका डेरिवेशन होता है वो मैंने स्किप किया। ठीक है, है ना, अगर आप लोग कभी गए होंगे ना कहाँ पे बफे वगैरह में खाना खाने के लिए, तो क्या होता है कि जब कभी आप जाते हो पार्टी वगैरह में, खाना खाने के लिए जाते हो, तो उसमें बहुत सारा खाना रहता है ना, राइस, पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, सेमई, रायता, पनीर, छोले भटूरे, फुल्की, चाउमीन, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप वहां पे हर एक चीज खाते, तो नहीं खा सकते हो ना, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि आपका पेट तो लिमिटेड है, तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया आपका डेरिवेशन वाला पार्ट। ठीक है, याद कैसे करना है मैं फिर से बताता हूँ, ये आपका पैरेलल एडिंग, एडिंग मतलब होता है ज्यादा किसी चीज का बड़ा होना, अगर मान लो 100 रुपए है, मैं आपको 5 रुपए और ऐड कर दूं, 105 हो जाएंगे, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी, तो किसी चीज को बड़ा करना है तो आपका डिनोमिनेटर का कम होना जरूरी है, तो यहाँ पे कम होना जरूरी है, तो यहाँ पे माइनस साइन दिया मैंने, अगर किसी चीज को कम करना है तो उसका डिनोमिनेटर का बड़ा होना जरूरी है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, हालांकि आप इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे भी फेवरेट क्वेश्चन है, और जो एग्जामिनर है वही यहाँ के फेवरेट क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी आपके पास ऐसा होता है ना कि एग्जाम में जाना है, बहुत कम टाइम बचा है और इसको पढ़ना है, तो सिर्फ ये दो क्वेश्चन पढ़ लेना, मैग्नेटिक कपल सर्किट में तीन फॉर्मूले जो पहले बताए वो, और ये दो क्वेश्चन, आपका मैग्नेटिक कपल सर्किट कंप्लीट हो गया। ये दो क्वेश्चन ही हैं जो आपके 90% केस में बनते हैं, तो मैं क्या इन क्वेश्चन को शुरुआत कर सकता हूँ सॉल्व करना, है ना, हम लोग क्या करते हैं इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाओ सभी लोग, देखो क्या दिया गया है कि आपके पास यहाँ पे तीन इंडक्टर है, एक इंडक्टर ये है, एक इंडक्टर ये है, और इंडक्टर ये, अब इनके बीच में आपस में कुछ कपलिंग है ना, कैसे कपलिंग है मैं बताता हूँ, एक ये कोई दोस्त है ना, तो आप लोग का दोस्त होगा, ये कोई दोस्त होगा, है ना, इसका जो है ये जो 5 बहुत चालू इंसान है, क्या ये बहुत चालू इंसान है, क्यों, ये इधर भी अपना कुछ चक्कर चला रहा है और ये इधर भी कुछ चक्कर चला रहा है, ठीक है, तो ये बड़ा चालू इंसान है
ठीक है, अपन को क्या करना है, अपन को क्या निकालना है, हमको इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है। और कैसे करूंगा, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल रूल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले आप आ जाओ 3 हेनरी पे, 3 हेनरी का हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो 3 हेनरी का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना है, 3, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, तो 3 हेनरी रहेगा ही। अब आप ये बताओ 3 हेनरी का किसके साथ चक्कर चलना है। तो 3 हेनरी का चक्कर चल रहा है किसके साथ, 5 के साथ। और कैसे चक्कर चल रहा है देखो ना, कैसे चक्कर, यहाँ बड़े आसानी समझ सकते हो आप, इसको देख सकते हो, समझ सकते हो चक्कर कैसे चल रहा है आपके पास यहाँ पे। कि जैसे मान लो यहाँ पे करंट कुछ भी आ रही है, तो इसके पास बाद में करंट आई है, उसका पहले पहुंच गई है, मतलब इन दोनों के बीच में अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है, एक इधर आ रहा है इधर जा रहा है, मतलब गलत चल रहा है, के बीच में मतलब माइनस होगा। तो कितनी कपलिंग यहाँ पे, 2, तो हो जाएगा 3 - 2 हेनरी, कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। समझ में आया कैसे किया मैंने, फिर से बता दूं क्या मैं, समझना तो फिर से। ये जो 3 था, ये जो 3 है, इस 3 को देखा जाए तो 3 का खुद के साथ इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना, 3 हेनरी, तो ये हो गया। 3 का किसके साथ म्यूचुअल चल रहा है, तो 5 के साथ म्यूचुअल चल रहा है, कितना चल रहा है, 2। लेकिन अब देखो, अगर यहां से करंट आती है तो करंट ये पहले वाले 3 हेनरी में डॉट से लीव कर रही है और 5 वाले में डॉट से इंटर कर रही है, मतलब इनके बीच में सही नहीं चल रहा है, तो इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना, -2 हो जाएगा, -2 हो गया, कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। अब बात करते हैं किसकी, 5 हेनरी की, जो बहुत स्मार्ट पर्सन है। इस 5 हेनरी की बात करें तो इसका सेल्फ कितना है, 5, तो हो गया 5। फिर देखो इस 5 का 3 के साथ कुछ चक्कर चल रहा, कैसे चल रहा है, यहां जगह करंट आती है तो यहां से लीव कर रही है, यहां पे इंटर कर रही है, तो कितना हो जाएगा इसके बीच म्यूचुअल, -2, तो यहाँ पे -2 हो गया। फिर देखा जाए कि 5 का 4 के साथ क्या चल रहा है, तो यहां से मान लो करंट आ रही, आई 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 यहां तक आ गई, यहां तक आई, इसमें से लीव कर रही है, यहां से इंटर कर रही है, तो यहां पे इसका निगेटिव चल रहा है, मतलब इसका क्या चला, 5 का क्या चला, कि इस 5 का तो यहां से भी टेका मिलने वाला है, इसको यहां से भी टेका मिलने वाला है, एट द एंड इसको दोनों नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 - 2 - 1 कितना होता है, 2 हेनरी हो गया। मतलब अगर ये 5 बेचारा, ये 5 अगर अकेला भी रहता है ना तो बहुत अच्छा था, क्यों, ये म्यूचुअल होने के चक्कर में इसकी वैल्यू जो 5 थी वो बेचारी हो गई 2 हेनरी, कितना बेकार हुआ इसके साथ, बताओ ना, तो सैड है ना, इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 - 5 हेनरी थी, इसके और इसके चक्कर में कितना बन गया, 2 हेनरी बन गया, सो सैड, भगवान इसके ऊपर कृपा करे। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे 4 हेनरी के बारे में। तो 4 हेनरी का 4 हेनरी तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए 5 हेनरी के साथ, तो यहां से करंट इंटर कर रही है, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक। अब देखो यहां पे करंट लीव कर रही है, यहां पे करंट इंटर कर रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा -1। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन से हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि 5 से हमको ये समझ में आया कि भाई हमको दो लोगों के साथ इंटरटेन नहीं करना है, ये हमारा टेका कट जाएगा, पहली बात। 3 के लिए क्या सीख है, 3 के लिए ये सीख है कि हमको उसके साथ नहीं जुड़ना जो हमको बेवकूफ बना रहा है, तो हमारा भी लॉस होने वाला है। 4 को ही समझना कि भाई जो 3 को समझ में आए हमको ही समझना चाहिए। मैं क्या पढ़ जाता हूँ यार, ठीक है, समझ में आई बात सबको। सेकेंड क्वेश्चन का 16 हेनरी आपने आंसर भी दे दिया, चलो देखते हैं कितना आंसर है। अरे पहले बताओ ये क्वेश्चन में आया कि नहीं आया सभी को, है ना, इतना हंस हंस के पढ़ाने का कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आप लोग को सदा इंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद आता है, बस इंटरटेनमेंट हो पढ़ाई ना। समझ में आई बात, चलो आते दूसरे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो डॉट वाला है ना, ये जो डॉट है उसकी वैल्यू 3 हेनरी है, ट्रायंगल और स्क्वायर की वैल्यू 2 हेनरी है, तो इसका आपको एल इक्विवेलेंट बताना है। तो हम पहले वाले 4 हेनरी पे आते हैं। तो ये वाला जो 4 हेनरी है ना, ये वाला अगर 4 हेनरी की बात करें तो इसका सेल्फ कितना, 4 तो रहेगा ही, ठीक है। अब इस 4 का ये वाले 4 के साथ भी कुछ चक्कर चल रहा है, कैसे, यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो मान लो देखो अगर करंट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे करंट लीव कर रही है, अगर देखो तो करंट यहाँ पे भी लीव कर रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तालियां। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल को लेकर कितनी, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, कितना जगह में +2,
फिर देखना ये इसका स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब ये क्या है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल है यहाँ पे, सर्कल है ना, तो करंट सर्कल पे इंटर कर रही है, और देखो यहाँ तो यहाँ पे सर्कल से लीव कर रही है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा 300। तो कहने का मतलब ये है इससे कि इस टू ने इसको प्लस किया और इसने -3 कर, कितना होगा 300। अब बात करते हैं ये वाले 400 का, तो सेल्फ कितना है 4 है, स्क्वायर वाला कितना है, यहाँ पे करंट इंटर कर रही है, यहाँ पे लीव कर रही तो -3, और अगर स्क्वायर देखा जाए तो करंट यहाँ पे इंटर कर रही है, इस पे भी इंटर कर रही है, तो हो जाएगा +2, तो 300 सॉल्व को इतना जाएगा 14 हेनरी, पूरा सॉल्व को इतना आएगा 14 हेनरी आएगा, 16 हेनरी नहीं आएगा। ठीक है अभिषेक, इसका आंसर कितना आएगा, 16 नहीं आएगा यार, 14 आएगा ना, मैं अपने आपको साइड भी कर देता हूँ, आप आंसर भी चेक कर सकते हो यार। ठीक है चलो 14 हेनरी आ गया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हमारा पैरेलल अपोजिंग है, तो क्या हो जाएगा L1 L2 माइनस m2, तो 4 × 4 माइनस, ट्रायंगल इतनी 2 है, तो 4 × 4 − 4 डिवाइड बाय L1 + L2 − +2m, L1 + L2 + 2m, तो सॉल्व कितना गया पे, इसकी वैल्यू आ गई 1, इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिमिलरली अब आप इसका भी निकाल लोगे, इन दोनों का कपलिंग कैसे करोगे, 4 हेनरी का देखा जाए अगर इस वाले हेनरी का, तो इसका सेल्फ कितना 4 है, करंट यहाँ से लीव कर रही है इसमें, इसमें भी लीव कर रही है, तो +2 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसा हो जाएगा, 4 + 2 कितना आ जाएगा आपका आंसर 12 हेनरी, इसका 1 था तो 12 + 1 हो जाएगा 13। मैं साइड में हो जाता हूँ, रुकना आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना यार। ठीक है ठीक है, चलो भाई कंप्लीट हुआ आपका मैग्नेटिक कपल सर्किट्स भी। ठीक है बचा लास्ट आपका टॉपिक रेजोनेंस, वो आपका एक क्लास और लगेगी, मैं उसको भी कंप्लीट करूंगा। ठीक है लास्ट टॉपिक बचा आपका रेजोनेंस, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। 23rd हेनरी आएगा, 23rd नहीं आएगा यार, 13 हेनरी। हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो रही है क्या, चलो तो अभी मैं क्लास को खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आपकी एक क्लास और बची है नेटवर्क की, एक क्लास और हो जाए फिर नेटवर्क खत्म हो जाए, और नेटवर्क खत्म होने के बाद सर क्लास सडनली स्टार्ट हुआ था क्या, नहीं तो ज्यादा जल्दी, मतलब सडनली स्टार्ट नहीं किया, 1-2 मिनट तो वेट करता हूँ मैं। यूथ का बुक मैं अभी अपलोड करता हूँ, 5 मिनट्स दो मुझे, 5 मिनट्स दो, मैं आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक आपके ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ। रोहित आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा यार, मेरा नंबर लिख लो आप लोग, नहीं दूंगा मैं व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब वाले अप्लाई फोन करने लगेंगे, मैं नंबर नहीं दूंगा, आपका मेरा नंबर है ना, टू पोर्ट की प्रॉब्लम। एक चीज मैं सोच रहा हूँ यार, एक चीज मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा मैं थिंक कर सकते हैं कि, है ना, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि एक दिन हम लोग पूरा नेटवर्क के क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करें, सुबह से लेकर रात तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन, दिन भर क्वेश्चन, और एक दिन टेस्ट लगा ले, 2 दिन का टाइम निकालते हैं अपन, है ना, नेटवर्क मैंने पूरा पढ़ाया, आपने पढ़ भी लिया है ना, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन हम लोग क्या करें, पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 सॉल्व ही सॉल्व सॉल्व, और एक दिन क्या लेते हैं, आपका टेस्ट ले लेते हैं, तो आज लोग बताओ किस दिन आप टेस्ट देना चाहोगे, है ना, टेस्ट किस दिन देना चाहोगे आप लोग नेटवर्क का, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट देना, जैसे आप लोग एग्जाम में देते हो ना वैसा ही टेस्ट देंगे, और कितने क्वेश्चन का, क्वेश्चन रखते हैं 50 क्वेश्चन रख लेते हैं हम लोग, 50 क्वेश्चन रख लेंगे, 1 घंटे का टाइम, 50 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम देंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, और किस डेट में आपको टेस्ट देना है, आपको ये मान के चलना है कि अगर आप उस टेस्ट में 40 नंबर के ऊपर ले आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, हाँ एमसीक्यू टेस्ट होगा, जैसा आपका
ऑनलाइन एग्जाम होता है वैसे ही टेस्ट होगा। संडे कब है यार, डेट कब बताओ जरा। परसों संडे आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे, परसों है संडे यार, 12 तारीख को संडे आप लोग पढ़ लोगे। डे आफ्टर टुमारो आपका संडे है, संडे तक आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे क्या बताइए। सर अगले वीक में, अगले वीक भी ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर यार अगले वीक ज्यादा हो जाएगा ना, कि आप लोग कितना टाइम फिर मिल जाता है कि ज्यादा वेस्ट हो जाएगा टाइम। रुको मैं बताता हूँ टाइम। लेवल क्या होगा, जेई एग्जाम लेवल होगा आपका, जेई एग्जाम का है ना, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। मैं आपका होशियारी देर मानने के लिए टेस्ट नहीं लूंगा, वैसा टेस्ट लूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। संडे को रिवीजन कर लेते हैं ठीक है, लेकिन देखो संडे को मैं क्वेश्चन, रुको 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 रुको, रोहित का नेटवर्क कंप्लीट नहीं है। रोहित अगले संडे तक आप कंप्लीट कर लोगे क्या रिकॉर्डिंग में, अगले संडे तक आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो क्या, नेटवर्क का कंप्लीट कर सकते हो क्या नेटवर्क। एक हफ्ते में क्या आप नेटवर्क कंप्लीट कर सकते हो, मतलब 19 तारीख को है ना, 19 को, 9 दिन है अभी आपके पास, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, 19 को हमारा टेस्ट, 19 को हमारा टेस्ट है नेटवर्क का, ठीक है। सभी को कोशिश करनी है, आप लोग ये मान के चलो कि मैंने बताया था ना कि आपको सिलेक्शन पाने के लिए एक घड़ा बनाना है, उस घड़े में 12 सब्जेक्ट अपनों आहुति देनी है, 12 सब्जेक्ट की आहुति देनी है। तो आपको 19 तारीख के पहले पहले एक सब्जेक्ट की आहुति देनी है, मतलब नेटवर्क को पकड़ना है, पूरा पढ़ भी लिया है, सब कुछ कवर हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जो करना है वो कर लेंगे, और उसके बाद हम उसको 19 तारीख को टेस्ट देंगे है ना। उस टेस्ट में अगर हमारे पास 50 नंबर का टेस्ट है, अगर 40 नंबर आप ला पा रहे हो, 40 नंबर ला रहे हो उस टेस्ट में, दैट मीन्स मैं फिर आपकी गारंटी हूँ कि आपका एग्जाम में रिजल्ट होगा, आपका सिलेक्शन होगा। परसों से नया सेट स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल परसों से आपका नया सेट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। अभी आपका 10 PM पे सिंकुअस मशीन की भी क्लास है ना, अभी 10 PM पे आपकी सिंकुअस मशीन की क्लास है, उसमें मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।